मोबाइल से सिनेमाटोग्राफी करना चाहते हैं, हमें कोई अच्छा सा लेंस सजेस्ट करे। ये रिक्वेस्ट अक्सर मेरे को अपने मैसेज और कमेंट बॉक्स में देखने को मिलता है आप लोगों से। तो देखो दोस्तों, अगर आप मोबाइल से सिनेमाटोग्राफी करना चाहते हो तो मैं आपको दो ही लेंस रिकमेंड कर सकता हूँ, एक वाइड एंगल लेंस या फिर एक एनामोर्फिक लेंस। नाउ आज के दिन में सभी स्मार्टफोन में वाइड एंगल कैमरा आता है, तो वाइड एंगल लेंस खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता। वही अगर आप एक एनामोर्फिक लेंस की प्राइस को देखोगे और उसके यूजर्स को देखोगे तो आपको लगेगा कि इसको भी खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एनामोर्फिक लेंस का काम है सिर्फ वीडियो में ब्लैक ब्लर करना और एक थोड़ा सा स्टार्क इफेक्ट जैसा लाइटिंग इफेक्ट देना, जिसके लिए आपको लगभग 7,000 से 8,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है, तो इसको भी खरीदने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो, सिनेमाटोग्राफी के लिए कुछ खरीदना चाहते हो, तो आप खरीद सकते हो ये वाला सिनेमा किट। सो ये बेसिकली एक स्मार्टफोन लेंस किट फिल्टर है, जिसमें बहुत से अलग अलग फिल्टर्स हैं और इनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने बेसिक से दिखने वाले वीडियो फुटेज को एक सिनेमेटिक लुक दे सकते हो। ऑलराइट, सो ये वाला फिल्टर किट है निसी ब्रांड का स्मार्टफोन सिनेमा किट फिल्टर। फॉर आईफोन जरूर लिखा है, पर इसे आप किसी भी स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हो। इसमें हमें एक फिल्टर होल्डर मिलता है, साथ में इस वाले पाउच में हमें 4 फिल्टर मिलता है, एक एंटी फिल्टर, 2 स्ट्रिक फिल्टर, एक ब्लू स्ट्रिक, दूसरा ऑरेंज स्ट्रिक और एक ब्लैक मिस्ट फिल्टर हमें मिलता है। नाउ सभी फिल्टर को एक एक करके टेस्ट करेंगे, देखेंगे ये किस तरीके से काम करता है और आखिर में मैं टेस्ट करूंगा मेरा पर्सनल फेवरेट और सबसे इफेक्टिव फिल्टर को। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी स्टार्ट करते हैं पहले फिल्टर से, जो कि एक 2-5 स्टॉप का ट्रू कलर एंटी फिल्टर है। एंटी फिल्टर का इस्तेमाल बहुत फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी में किया जाता है। सिनेमाटोग्राफी में एक रूल है 180 डिग्री शटर रूल करके, जिसके अकॉर्डिंग आपका वीडियो फ्रेम रेट यानी कि FPS नंबर जितना रहेगा, आपका शटर स्पीड उसका डबल होना चाहिए वीडियो में एक स्मूथ मोशन ब्लर अचीव करने के लिए। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप 24 FPS में वीडियो शूट कर रहे हो तो आपका शटर स्पीड होना चाहिए उसका डबल यानी कि 1/48, जो कि कैमरे के अंदर नहीं होता है, तो हम 1/50 के शटर स्पीड में वीडियो शूट करते हैं। 30 FPS के लिए 1/60, 60 FPS के लिए 1/120 और 120 FPS के लिए 1/240 का शटर स्पीड हमें चूज करना चाहिए। कहता है तब जब आप आउटडोर में वीडियो शूट करते हो। फॉर एन एग्जांपल, मैं यहाँ पर 30 FPS में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो रूल्स के अकॉर्डिंग मेरा जो शटर स्पीड है वो 1/60 होना चाहिए। ISO को मैंने 100 पे सेट कर दिया है, बट फिर भी जो वीडियो है वो मेरा ओवर एक्सपोज हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपके वीडियो की एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए आप एक एंटी फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। ये कैमरे के अंदर आने वाले लाइट को कम कर देता है, जिससे कि आपका जो ओवर एक्सपोज फ्रेम था वो परफेक्ट एक्सपोजर में आ जाएगा और आप 180 डिग्री शटर रूल को मेंटेन रखते हुए वीडियो कैप्चर कर पाओगे। नाउ आई एम श्योर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो में एंटी फिल्टर का कुछ खास जरूरत नहीं है, हम अपने वीडियो की शटर स्पीड को इंक्रीज करते हुए एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेफिनेटली एक्सपोजर तो आप कंट्रोल कर सकते हो, पर हायर शटर स्पीड के साथ आप सिनेमेटिक मोशन ब्लर अचीव नहीं कर सकते हो। अगर आप 180 डिग्री शटर रूल के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो देख लेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि सिनेमाटोग्राफी में एंटी फिल्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। नेक्स्ट फिल्टर है हमारा स्ट्रिक फिल्टर, जिसमें हमें 2 फिल्टर मिलता है, एक ब्लू स्ट्रिक, दूसरा ऑरेंज स्ट्रिक। नाउ आई एम श्योर फीफा का लाइट अप द स्काई गाना तो आपने जरूर सुना होगा, अगर सुना होगा तो नूरा के पीछे की इस वाले नूर को तो जरूर इग्नोर करी होंगे। यस, यही है स्ट्रिक लाइट इफेक्ट, जो कि आप क्रिएट कर सकते हो इन 2 फिल्टर्स को इस्तेमाल करते हुए। ऑल यू नीड इज अ स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स लाइक अ कैंडल और मोबाइल फ्लैश लाइट, और जब आप अपने कैमरे के सामने इस फिल्टर को होल्ड करेंगे तो आपको एक स्ट्रिक लाइट इफेक्ट क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। ब्लू फिल्टर के साथ ब्लू स्ट्रिक, ऑरेंज फिल्टर के साथ ऑरेंज स्ट्रिक आपको मिलेगा, और फिल्टर के सामने के इस वाले पार्ट को रोटेट करते हुए आप स्ट्रिक लाइट को रोटेट करवा सकते हो, जो कि बहुत ही कूल दिखता है। खास करके म्यूजिक वीडियोस में इस तरीके के इफेक्ट आपने देखे होंगे। सो अगर आप फैशन वीडियो, म्यूजिक वीडियो या फिर डांस वीडियो शूट करते हो, देन डेफिनेटली इस वाले फिल्टर को ट्राई कीजिएगा। मैंने जस्ट अभी नोटिस करी कि आप ना एक फिल्टर के ऊपर दूसरे फिल्टर को इजीली अटैच कर सकते हो। इसका लॉक मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि आप एक साथ में 2, 3, इवन 4 फिल्टर्स को भी अटैच कर सकते हो और कुछ यूनिक बना सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, आप एक स्ट्रिक फिल्टर के ऊपर दूसरे स्ट्रिक फिल्टर को अटैच कर देते हो और ऐसे प्लस साइन जैसा स्ट्रिक लाइट इफेक्ट आप कैप्चर कर पाते हो। तो ऐसे फिल्टर्स का कॉम्बो बना करके आप बहुत से यूनिक वीडियो कैप्चर कर पाओगे। ऑलराइट, सो अब देखते हैं लास्ट वाले फिल्टर को टेस्ट करने का, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट फिल्टर है, आई एम श्योर आपको भी पसंद आएगा। सो ये वाला है कि ब्लैक मिस्ट फिल्टर। अब देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है। आप इस वाले फ्रेम को देखिए, मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करे है और पीछे की तरफ से एक बैकलाइट को डायरेक्टली कैमरे की तरफ फेस करते हुए रखे है, जिसका जो लाइट है अभी सिर्फ और सिर्फ टेबल के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। आसपास के ब्लैक एरिया में वो लाइट आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा होगा।
पर अगर मैं इस वाले ब्लैक मिस्ट फिल्टर को अपने कैमरे के सामने होल्ड करता हूँ तो आप देख सकते हो उस लाइट का जो वॉल्यूम है अभी काफी ज्यादा बढ़ गया है और आसपास का जो ब्लैक एरिया था वहां पर वो लाइट विजिबल हो रहा है। तो ब्लैक मिस्ट फिल्टर का काम यही है, ये आपकी वीडियो में जो स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्सेज है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि आपकी वीडियो में एक मिस्ट इफेक्ट या फिर एक हेज इफेक्ट आता है जो कि आपके वीडियो क्लिप को कहीं ज्यादा सिनेमेटिक बना देता है। Alright, so that's all for the video. Now, इस फिल्टर का परचेस लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, वहां पर से आप इसके प्राइस चेक कर सकते हो या फिर इसे परचेस कर सकते हो। बाकी जाते जाते आप मेरे को कमेंट करके बताओ इनमें से कौन सा फिल्टर आपको सबसे ज्यादा यूनिक और इफेक्टिव लगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।